आगे ला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में मैं हूं अनुश्री भारद्वाज। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। जीरी गोयनका पब्लिक स्कूल के बच्चों ने नॉर्थ इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप के जीते पदक। जी आपको बता दें, काशीपुर के जीरी गोयनका पब्लिक स्कूल के 6 छात्रों ने पहली नॉर्थ इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप में भाग लेकर सभी ने स्कूल के लिए पदक जीते। बता दें, अर्णव सिंह, यशवीर यादव, शिविक और भव्य प्रताप सिंह ने सिल्वर मेडल जीते। तो वहीं अवजोत सिंह और सारस चौहान ने ब्रॉन्ज मेडल जीत अपना लोहा मनवाया। वहीं विद्यालय के एकेडमिक डायरेक्टर सुबोध कुमार सिंह द्वारा विद्यालय के ताइक्वांडो कराटे कोच और योगाचार्य शोभित भारद्वाज को भी विशेष धन्यवाद दिया गया, जिन्होंने इस उपलब्धि के लिए छात्रों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण व समर्पण के साथ तैयार किया। आइए नजर डालते हैं काशीपुर के दिनभर के अन्य खबरों पर। कल होगा भारत विकास परिषद द्वारा राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता एवं गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन। प्रकाश सिटी के 5 बच्चों ने 6 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत किया नाम रोशन। काशीपुर कोतवाली परिसर में स्थित मंदिर में हुआ भंडारे का आयोजन। एसडीएम अभय प्रताप सिंह के स्थान पर आईएएस वरुणा अग्रवाल बनी नई संयुक्त मजिस्ट्रेट। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन की मासिक बैठक का हुआ आयोजन। काशीपुर पुलिस ने वारंटी को पकड़ किया न्यायालय में पेश। अब खबरें विस्तार से। भारत विकास परिषद काशीपुर द्वारा 28 अगस्त को राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता एवं गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, बाजपुर रोड स्थित एक रिजॉर्ट में सुबह 10 बजे से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा पहुंच प्रतिभा किया जाएगा। आपको बता दें, भारत विकास परिषद द्वारा कई वर्षों से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता रहा है। काशीपुर की बाजपुर रोड स्थित प्रकाश सिटी सोसाइटी के 5 बच्चों ने फर्स्ट प्रमोशन रोलर्स चैंपियनशिप 2024 में प्रतिभाग किया, जिसमें कुल 250 प्रतिभागी रहे। वहीं इस प्रतियोगिता में प्रकाश सिटी के 5 बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 6 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते, जिसमें आपको बता दें, रियांश सोलंकी द्वारा ब्रॉन्ज मेडल, अद्विक चौबे द्वारा 2 गोल्ड मेडल, सात्विक शर्मा द्वारा 2 सिल्वर मेडल, त्रिनव झा द्वारा 2 ब्रॉन्ज मेडल, नव्या पांडे द्वारा 2 गोल्ड मेडल और यथार्थ सैनी द्वारा 2 गोल्ड मेडल जीते गए। काशीपुर कोतवाली परिसर में स्थित मंदिर के 1 वर्ष पूर्ण होने पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान आईपीएस निहारिका तोमर भी भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने पहुंची। वहीं इस दौरान शहर के कई लोगों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। अपनों को करीब लाए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। काशीपुर एसडीएम प्रताप सिंह के स्थान पर आईएएस वरुणा अग्रवाल काशीपुर की नई संयुक्त मजिस्ट्रेट होंगी। आज उत्तराखंड में 6 आईएएस के स्थानांतरण में अल्मोड़ा की संयुक्त मजिस्ट्रेट आईएएस वरुणा अग्रवाल को संयुक्त मजिस्ट्रेट काशीपुर बनाया गया है। वहीं पिथौरागढ़ के संयुक्त मजिस्ट्रेट आईएएस आशीष कुमार मिश्रा को संयुक्त मजिस्ट्रेट हरिद्वार बनाया गया है। इसके अलावा संयुक्त मजिस्ट्रेट पौड़ी आईएएस अनामिका को संयुक्त मजिस्ट्रेट देहरादून बनाया गया है। गौरतलब है कि 2020 बैच की आईएएस अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने यूपीएससी परीक्षा में देश में 38वीं रैंक प्राप्त की। पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन की काशीपुर शाखा की अगस्त माह के मासिक बैठक का आयोजन हुआ। वहीं इस बैठक में अध्यक्ष सतपाल गुप्ता, सचिव एसएस सिन्हा तथा कोषाध्यक्ष राजीव पाल ने सदस्यों की विभिन्न समस्याओं को सुना और उनके समाधान का प्रयास किया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। अपनों को करीब लाए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के आदेशानुसार वारंटियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक काशीपुर द्वारा क्षेत्राधिकारी काशीपुर के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया। बता दें, पुलिस टीम द्वारा भिन्न भिन्न मामलों में न्यायालय काशीपुर से जारी वारंटों के अनुपालन में आज राजू पुत्र भीम निवासी खरमासा कुंडेश्वरी थाना काशीपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। फिलहाल के बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।